इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस घंटी वाले आइकन को दबा के दोस्तों, जो आपकी आंसर की है एंड आंसर की को आप किस प्रकार से चैलेंज कर सकते हो, इससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों, वैसे ये जो नोटिफिकेशन है ये इवनिंग में जो है 7 जून को इवनिंग में एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर किया गया है, जब आपकी आंसर की रिलीज़ की गई थी उसके बाद। एंड इसके अंदर डेट दी गई है 6 जून की। तो इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए रिगार्डिंग टू चैलेंज आंसर की, तो हम इसमें चेकआउट करें यदि, तो इसमें जो मेन चीज़ है वही मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ दोस्तों। तो इसमें यह है कि जो आपकी आंसर की है उसे आप चैलेंज 9 जून तक कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था एंड ये जो एनटीए का बुलेटिन जारी हुआ था उसमें आपको बताया गया है कि 3 दिन तक जो आप इसे चैलेंज कर सकते हो आंसर की को, एंड उसके बाद जो आपकी फ़ाइनल आंसर की रिलीज होगी। तो यदि आपको आंसर की को चैलेंज करना है, ठीक है, यदि आपको लगता है कि कोई आंसर जो है रॉन्ग है, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें एंड वहाँ से इसे जो है आप पे चैलेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको 9 जून का टाइम दिया गया है, 9 जून तक आप जो है इसे चैलेंज कर सकते हो। एंड ये जो आपका पेमेंट होगा ये ऑनलाइन ही आप इसे पे करना होगा, 1000 रुपये इसके अंदर बताया गया है, 1000 ओनली, ओके। तो ये अगर आपको चैलेंज करना है तो आपको इतना यहाँ पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों यह है नोटिफिकेशन, इसे आप और अच्छे से रीड आउट कर सकते हो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा।